हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शारदा बार बार अपनी बेटी संजय को मना रही थी। बेटा तो क्या हुआ अगर वो लड़की गंजी है तो? अरे उसके पैसे देखे हैं तूने? इतनी अमीर गंजी बहू मिल रही है, मैं उसके सर में रोज तेल लगाऊंगी ताकि उसके सर में बाल आ जाए। माँ आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? बस उसके पैसों को देखकर आप ये बोल रही हो कि मुझे उससे शादी कर लेनी चाहिए? अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, नहीं कर सकता मैं उससे शादी। ऐसे कैसे नहीं करेगा, तेरी माँ बोल रही है तुझसे और तू है कि बहाना बनाया जा रहा है। तू लड़की देख, लड़की का पैसा देखा ना तो तू भी उस बेचारी के गंजेपन को अपना लेगा। माँ आप लालची बन रहे हो, लेकिन मैं आपकी लालच को पूरा करने के चक्कर में जिंदगी भर अपना मजाक नहीं बनवा सकता। अरे लोग देखेंगे तो कितना हंसेंगे मेरे ऊपर कि ये मेरी वाइफ है। लोगों का तो काम ही होता है कमियां निकालना, और तू कब से लोगों की बातों को सुनने लगा? तुझे तो अपने बारे में सोचना चाहिए कि इतनी अमीर बहू घर आएगी तो हमारी किस्मत कितनी चमक जाएगी। आपको जो बोलना है बोलो, लेकिन ये मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी के बारे में कोई भी ऐसा फैसला नहीं ले सकता जिससे मुझे बाद में पछताना पड़े। अगर यही तेरा आखिरी फैसला है तो ठीक है, आज के बाद तू मुझे माँ मत बोलियो। यहाँ तक कि मेरी चिता को भी तू आग नहीं लगाएगा, क्योंकि मेरा बेटा मेरी बात का जब मान ही नहीं रखता तो मैं अपने बेटे से अपने सारे संबंध तोड़ती हूँ। अरे आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मेरा आपके सिवा है ही कौन? तो मेरा भी कौन है तेरे सिवा? और मैं लड़की वालों को जुबान दे चुकी हूँ, उनके आगे शर्मिंदा होने से तो अच्छा है ना कि मैं अपनी जान ही दे दूँ। वैसे भी मेरा यहाँ है ही कौन? माँ मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक बात आप सुन लो। मैं आपकी पसंद की लड़की से शादी तो कर लूंगा, लेकिन उसे कभी अपना नहीं पाऊंगा। एक बार शादी हो जाए फिर तो अपने आप ही पति पत्नी जैसा संबंध बन ही जाएगा। कब तक ये उस गंजी बहू को अपनाने से मना करता रहेगा? आज नहीं तो कल उसे अपना नहीं पड़ेगा। संजय अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी माँ की बात मान जाता है और शादी के लिए हाँ कर देता है। कुछ ही दिनों में शारदा अपने बेटे संजय की शादी मधु नाम की एक गंजी लड़की से करवा देती है। शादी की रात सुहाग रात के समय मधु संजय के आने का इंतजार कर रही थी। संजय काफी देर बाद कमरे में आता है और सीधा आकर सो जाता है। लगता है शादी के तामझाम में थक गए होंगे, तभी तो मुझसे जरा भी बात नहीं की। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो हमारी शादी हो गई है, पूरी जिंदगी हमें साथ ही रहना है। कोई बात नहीं, अभी इनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा, कल आराम से हम दोनों ढेर सारी बातें करेंगे। मधु संजय को काफी पसंद करा करती थी, लेकिन संजय के मन में मधु को लेकर कुछ भी नहीं था। कुछ दिनों बाद संजय फैक्ट्री से घर आ रहा होता है, तभी उसके पैर में चोट लग जाती है और काफी खून आता है। संजय जैसे तैसे घर आता है। संजय के पैर में लगी चोट शारदा और मधु दोनों देखती है। ये आपको इतनी चोट कैसे लगी? और अगर चोट लग भी गई तो आपने डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? आपको पता है ना छोटी सी चोट को नासूर बनने में जरा भी समय नहीं लगता। अरे हमारे पास पैसे ही कहाँ होते हैं, अगर ये अपनी चोट को डॉक्टर को दिखाने जाता ना तो डॉक्टर काफी लंबा चौड़ा बिल बना देता, तब तो हमारे 2 हफ्ते का राशन पानी भी बंद ही हो जाता। माँ जी देख रही है ना इन्हें कितनी चोट लगी है, फिर भी आप बोल रही हैं। अरे इंसान से बढ़कर है क्या पैसा? पैसा तो आज है कल को नहीं, लेकिन इंसान तो हमें प्यारा है ना। चलो डॉक्टर के पास अभी। मुझे तो लगा ये अमीर है तो इसे अपनी अमीरी पर बहुत घमंड होगा, लेकिन ये तो बहुत ही समझदार और सुलझी हुई है। माँ की पसंद कभी गलत तो हो ही नहीं सकती। अरे बहू डॉक्टर के पास क्यों जाना, ये इतनी सी ही तो चोट है, 2 दिन में ठीक हो जाएगी। लेकिन वो मुझे अपनी सहेली रमा की गोद भराई में जाना है, मुझे उसके लिए पैसे चाहिए, तो मुझे पैसे दे दे। शारदा अपनी अमीर बहू होने का अच्छे से इस्तेमाल करती है, छोटी बड़ी हर चीज शारदा अपनी बहू से ही बोलती। लेकिन मधु का सुलझा और सरल स्वभाव संजय को काफी पसंद आने लगा था। संजय के मन में मधु को लेकर प्यार उमड़ रहा था। एक दिन संजय मधु के साथ बाजार जाता है, तभी मधु के सर से उसका पल्ला सरक जाता है। वो भरे बाजार में अपने गंजेपन से शर्मिंदा होने लगती है। लोग मधु पर काफी हंसते हैं। मेरी ही गलती है जो मैं इस गंजी को अपने साथ बाजार तक लाया, ये खुद का तो मजाक अब तक बनवाती ही रही है, अब इसकी वजह से लोग मेरा भी मजाक बनाएंगे। अरे आज तो दिन में भी चांद दिख गया, मैडम क्या चिकनाई है आपके टंटोले पर। सब लोग मधु पर हंस रहे थे। मधु काफी शर्मिंदा हो जाती है। लोगों के हंसने की वजह से संजय के मन में
मधु को लेकर और भी ज्यादा कड़वाहट पैदा हो जाती है। कुछ दिनों बाद संजय फैक्ट्री में काम कर रहा था, तभी संजय का मालिक उसके पास आता है। मैं आप सभी को ये बताने के लिए आया हूँ कि यहाँ पे खड़े सभी मजदूरों में से 10 मजदूर विदेश जाके काम करेंगे। हम उन्हें विदेश भेजेंगे और उनकी तनख्वाह वो भी डबल हो जाएगी। मालिक, 10 मजदूरों में क्या मेरा भी नाम है? मैं भी विदेश जाऊंगा। हाँ बाबा हाँ, तुम्हारा भी नाम है और मेरे पास ये सूची है जिसमें जिस जिस का नाम है ना वो विदेश जाएंगे। और हाँ, तुम लोग अपना अपना नाम देखने के बाद अपना अपना पासपोर्ट कल लेके आ जाना। और हाँ, जिसके पास पासपोर्ट नहीं है वो 1 महीने के अंदर अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दे, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीना है, उसके बाद तुम्हारी जगह कोई और चला जाएगा। जी मालिक, मैं आज ही घर जाकर पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देता हूँ। संजय घर जाता है और अपने सारे डॉक्यूमेंट देखने लगता है। तभी संजय के हाथ उसकी जन्म पत्री लगती है जिसमें उसकी स्वर्गवासी माँ का नाम उमा लिखा था। संजय की माँ के नाम की जगह वो किसी और का नाम देखकर बहुत हैरान हो जाता है। ये क्या है, मेरी माँ का नाम तो शारदा है, तो फिर मेरी जन्म पत्री पर ये स्वर्गवासी उमा क्यों लिखा है? संजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या है। संजय अपनी माँ के पास जाता है जहाँ मधु भी थी। माँ, मेरी जन्म पत्री में आपका नाम क्यों नहीं है और ये स्वर्गवासी उमा नाम क्यों लिखा है? ये है कौन? मैंने तो ये नाम पहले कभी नहीं सुना। वो शारदा खामोश हो जाती है और काफी देर तक कुछ नहीं बोलती। शारदा की चुप्पी संजय के मन में 100 सवाल पैदा कर रही थी। तभी वहाँ एक जानकी नाम की औरत आती है। संजय बेटा, मैं तुझे बताती हूँ कि ये उमा कौन है और तेरी जन्मपत्री में उसका नाम क्यों है। जानकी, तू यहाँ क्या कर रही है और तुझे मेरे घर का पता कैसे चला? मैंने इन्हें यहाँ बुलाया है और मुझे पता है कि ये संजय जी की क्या लगती हैं। संजय बेटा, ये लोग पता नहीं क्या बकवास कर रहे हैं। मैंने ही गलती कर दी इस गंजी से तेरी शादी करवा कर। चल, हम दोनों माँ बेटे यहाँ से चले जाते हैं। इन लोगों से हमें कोई बात ही नहीं करनी। संजय जी, ये औरत आपकी माँ नहीं, ये आपकी सौतेली माँ है। आपकी जन्म पत्री में जो नाम लिखा है उमा, वही आपकी सगी माँ है। मुझे भी अभी कुछ दिनों पहले ही ये सब पता चला है। संजय, मैं तेरी मासी हूँ। मैं मधु को बचपन से जानती हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मधु से मिलने गई थी तो इसने अपनी सास की तस्वीर दिखाई, तो पता चला कि ये तुम्हें मेरी बहन से चुरा कर यहाँ ले आई। नहीं बेटा, ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। संजय जी, बस यही वजह है, तभी तो इन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया भी नहीं, यहाँ तक कि आपकी जिंदगी के बारे में भी नहीं सोचा। मुझ जैसी गंजी लड़की से बस लालच की वजह से शादी कर दी। मैंने आपको अपनी सगी माँ माना था, आप जो बोलती रही मैं वो करता रहा, और आप, अरे, मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर अपनी लालच को पूरा करती रही। आपने इस गंजी अमीर बहू को अपनी बहू बस लालच के लिए ही बनाया था ना, तो आज मैं संजय जी को इस जबरदस्ती के रिश्ते से आजाद कर रही हूँ। नहीं मधु, भले ही मैं जबरदस्ती तुम्हारे साथ रिश्ते में था, लेकिन तुमने जो किया है वो तो कोई अपना भी नहीं करता, और अब तुम्हें तुम्हारी मासी सास तो मिल ही गई है ना। संजय को सारी सच्चाई पता चलती है, जिसके बाद संजय अपनी माँ को छोड़कर मधु के साथ रहता है। तेज बारिश के मौसम में कार्तिक अपने मन के रोमांस को जगाकर किचन में काम कर रही अपनी पत्नी राधिका को पीछे से हग करके कहता है, अरे मेरी जान, इतनी तेज बारिश हो रही है और तुम हो कि इतने रोमांटिक मौसम को यूं किचन में काम करके बर्बाद कर रही हो। अपने इस रोमांस को अपनी जेब में लेकर कमरे में चले जाओ। अभी माँ जी को उनकी चाय समय पर नहीं मिली ना, तो बाहर से तेज बिजली मेरे सर पर गिर जाएगी। क्या यार, इतने रोमांटिक मौसम में बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करना चाहिए। जब वो ठंडी ठंडी बूंदे तुम्हारे पूरे शरीर को भिगा देंगी तो तुम कितनी हसीन दिखोगी। तुम पहले तो मुझे छोड़ो और नहीं अपना फिल्मी रोमांस लेकर निकल लो यहाँ से। राधिका अपने अनरोमांटिक मूड से कार्तिक का भी मूड खराब कर देती है, जिसके कारण कार्तिक रसोई से निकलकर कमरे में जाने लगता है कि तभी घर की डोरबेल बजती है, जिसको सुनकर राधिका अपने मन में बोलती है, ये इतनी बारिश में कौन घर आ गया? कार्तिक, जरा देखना कि कौन है दरवाजे पर, कौन इतनी बारिश में मुंह उठाकर चला आया घर पे। ठीक है, देखता हूँ। ये मेरी बीवी बिना खुद तो भीगती नहीं है बारिश में, बेचारा जो आया है उसको भी कोसेगी कि इतनी बारिश में हमारे घर क्यों आया। इतना बोलकर कार्तिक जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचकर उसे खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके सामने उसकी साली महिमा जो खड़ी थी, बारिश में पूरी तरह वो भीग चुकी थी।
उसके भीगे हुए बदन से बारिश की बूंदे धीरे धीरे सरकते हुए नीचे गिर रही थी। ये देखकर कार्तिक के मन में सोया रोमांस एक बार फिर से जागता है और वो बारिश में भीगी महिमा को गले लगाने आगे बढ़ता है कि तभी उससे पहले महिमा ही चिल्लाते हुए कार्तिक को कहती है, अरे जीजू क्या टुकुर टुकुर देख रहे हो, सामने से हटो ना, आपको दिख नहीं रहा मैं पूरी भीगी हुई हूँ। देखिए मुझे ठंड लग रही है, अगर आप और एक सेकंड मेरे सामने से नहीं हटे ना तो मैं आपके गले लगकर आपको भी भिगा दूंगी। अरे नेकी और पूछ पूछ, मैं तो कहता हूँ इस भीगे बदन से तुम मेरा तन मन भिगा दो। जीजू सुनाई नहीं दे रहा क्या? अरे अरे सॉरी सॉरी, आओ आओ अंदर आओ। महिमा अंदर आती है और बारिश में भीगने की वजह से कांपने लगती है, लेकिन कार्तिक का ध्यान तो अपनी बारिश में आई भीगी भीगी सी साली को देखने में था। इतने में बाहर की आवाज सुनकर राधिका रसोई से आती है और अपनी बहन को अपने घर में इतनी बारिश में देखकर कहती है, अरे महिमा तू, वो भी इतनी बारिश में, अरे ऐसी क्या आफत पड़ गई थी तुझे कि इतनी बारिश में आना पड़ा? मतलब बहन के आने की खुशी नहीं है, इतनी बारिश में क्यों आई इसके आने का दुख है। कम से कम आई तो हूँ, कोई टॉवल वगैरह दे दो ताकि मैं सुखा सकूँ खुद को। अरे मेरा वो मतलब नहीं था, रुक मैं तेरे लिए टॉवल लाती हूँ। और आप कार्तिक, दिख रहा है महिमा भीग कर आई है बारिश में, फिर भी चुपचाप खड़े हैं, यूँ नहीं कि उसको टॉवल लाकर दे दीजिए। जाओ उसको लाकर दो, मैं तब तक उसके लिए कुछ कपड़े निकालती हूँ। ठीक है। कार्तिक जल्दी से महिमा को टॉवल लाकर देता है, जिसके बाद वो खुद को सुखा कर कपड़े चेंज करने चली जाती है। उसके जाते ही कार्तिक की माँ अनुराधा अपने कमरे से बाहर आकर बोलती है, अरे बेटा क्या हुआ था बाहर, मुझे बड़ा शोर सुनाई दे रहा था, और ये घर गीला कैसे हो गया, कौन गया था इतनी बारिश में बाहर? माँ कोई गया नहीं था, बल्कि इतनी बारिश में मेरी साली साहिबा घर आई हैं, उन्हीं के आने का शोर था, अभी गई हैं कपड़े बदलने। बताओ इतनी बारिश में भी बहू की बहन को चैन नहीं है, अरे रुकने पर ही आ जाती, अब बारिश में भीगे तो कहीं बीमार न हो जाए। इतने में महिमा अपने बालों को टॉवल से सुखाते हुए बाहर आती है और अनुराधा से कहती है, अरे आंटी जी आप क्यों चिंता करती हैं, ये बारिश और मैं तो एक दूसरे के दोस्त हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए कभी मुसीबत नहीं बनते, मुझे तो बारिश में भीगना बहुत पसंद है, जब बारिश की ठंडी ठंडी बूंदे चेहरे को छूती हैं तो मानो जन्नत ही दिख जाती है। वाओ देखो तो मेरी साली साहिबा को बारिश से कितना प्यार है, कितनी रोमांटिक है ये बारिश के मौसम में, और एक मेरी बीवी ना तो बारिश से कुछ लेना देना है ना ही रोमांस से। ऐसे ही कुछ देर में राधिका सबके लिए बारिश में चाय पकौड़े लाती है और सब इस मौसम का मजा लेते हुए अंदर बैठकर बारिश एंजॉय करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन लगातार बारिश होती है तो एक दिन कार्तिक राधिका को मनाते हुए कहता है, यार चलो ना मेरे साथ बाहर बारिश के मजे लेते हैं, कितनी रिमझिम बारिश हो रही है। आपको काम नहीं है बारिश में रोमांस दिखाने के अलावा, मुझे यहाँ इतना काम है, यूँ नहीं कि बीवी का हाथ बटा दे काम में। इतने में वहाँ महिमा आ जाती है और अपने जीजू का बारिश में भीगने का अरमान अधूरा देखकर कहती है, जीजू क्या आप दीदी को इतना परेशान कर रहे हैं, जब आपकी हॉट सी साली आपके घर में है वो भी इतनी बारिश में, चलो मैं हूँ ना, हम दोनों मिलकर भीगते हैं इस बारिश में। अरे नेकी और पूछ पूछ, चलो यार राधिका से तो मुझे कोई उम्मीद है ही नहीं। इतना बोलकर कार्तिक महिमा के साथ बाहर भीगने चला जाता है। ये देखकर राधिका का मुंह बन जाता है। कुछ देर में उनको भीगते हुए देखकर अनुराधा घर के अंदर से चिल्ला कर कहती है, अरे बच्चों अकेला अकेले बारिश में मजे ले रहे हो, मुझे भी बुला लेते। अरे आंटी जी आप भी आ जाओ, देखो कितनी मस्त बारिश हो रही है, आपके भी तन मन को खुश कर देगी ये बारिश। अनुराधा भी महिमा और कार्तिक को ज्वाइन कर लेती है और तीनों साथ में बारिश का मजा लेते हैं। बारिश में घर आई साली की वजह से कार्तिक भी अब अपनी साली संग बारिश का खूब मजा ले रहा था और ये सब देख रही राधिका अंदर ही अंदर जलते हुए कहती है, देखो तो तीनों कैसे मजे से बारिश में भीग रहे हैं, बताओ मेरे से तो कोई पूछ भी नहीं रहा, लेकिन गलती तो मेरी ही है, कार्तिक जी ने मेरे से पहले पूछा था पर मैं ही उनके रोमांस को बारिश के पानी में बहा बैठी। राधिका दूर से देखकर ही जलती रहती है, लेकिन उस दिन के बाद कुछ दिन बारिश नहीं होती और महिमा भी जिस काम से अपनी बहन के घर आई थी वो पूरा हो चुका था तो वो भी अपने घर जाने लगती है, जिस पर वो निकलते हुए कहती है, जीजू और आंटी आपको जब भी बारिश में भीगने का मन हो तो मुझे कॉल कर लेना, जितनी तेज बारिश हो मैं भीगते हुए यहाँ आ जाऊंगी और फिर हम तीनों मिलकर बारिश का मजा लेंगे।
जरूर साली साहिबा, इस बारिश में मुझे अपनी साली के घर आने का ही इंतजार रहेगा। जैसे ही बारिश होगी मैं आपको कॉल कर दूंगा, आप आ जाना। हाँ बेटा, आप समय से निकल जाओ, कहीं रास्ते में बारिश हो गई तो। ठीक है आंटी जी, बाय। अपना ख्याल रखना, बाय दीदी। महिमा सबको बाय बोल कर निकल जाती है, जिसके बाद राधिका की जिंदगी पहले की तरह चलने लगती है। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से आसमान में काले बादल छा जाते हैं और ऐसा मौसम देखकर कार्तिक हॉल में बैठा राधिका से कहता है, लगता है बारिश होने वाली है बहुत तेज, मुझे महिमा को कॉल कर देना चाहिए। करवाऊं कॉल महिमा को? खुद की बीवी नहीं है तुम्हारी बारिश में भीगने के लिए? अरे वाह, जब मैं कहता था कि मेरे साथ चलो बारिश में भीगने तो मैडम को काम याद आते थे, और यहाँ बारिश में मेरी साली को आता देखकर अब जलन हो रही है। कोई नहीं, अगर आज की बारिश में तुम मेरे साथ नहीं भीगी तो मैं महिमा को कॉल करके बुला लूंगा। कार्तिक इतना बोलते ही खिड़की से बाहर झांकने लगता है और तभी उसके चेहरे पर धीमी धीमी बारिश की बूंदें पड़ती है, जिस पर कार्तिक राधिका से कहता है, राधिका बारिश आ गई, चलो भीगने। चलते हैं, पहले थोड़ी तेज तो होने दो, मैं जब तक चाय पकौड़े बना लेती हूँ, भीगने के बाद गर्मा गर्म खाएंगे तो कितना मजा आएगा। देखो तुम मेरे मूड को वापस से खराब मत करो, या एक काम करो, छोड़ो मैं महिमा को ही कॉल कर लेता हूँ। ऐसे कैसे, मैं चल रही हूँ ना, चलो चलते हैं। जैसे ही राधिका और कार्तिक बाहर बारिश का मजा लेने जाते हैं कि तभी डोर बेल बजती है और बाहर से एक आवाज आती है, जीजू जल्दी दरवाजा खोलिए, बारिश में आपके घर आपकी साली आई है। लो जी, राधिका ने इतनी मुश्किल से बारिश में भीगने का और अपने पति के साथ रोमांस करने का मूड बनाया, लेकिन इस रोमांटिक बारिश में राधिका के मूड को खराब करने एक बार फिर घर आ चुकी थी कार्तिक की साली। तो क्या लगता है आपको, कार्तिक इस बारिश का मजा किसके साथ लेगा, बीवी के या साली के? हमें कमेंट करके बताइएगा। और आप बारिश में किसके साथ भीगना पसंद करते हैं, ये भी हमें बताना ना भूले। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।